हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन। आज हम देखेंगे 8086 का आर्किटेक्चर। पिछले वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। तो 8086 सपोर्ट करता है, इट इज़ अ 16-bit माइक्रोप्रोसेसर। इट हैज़ अ 16-bit डेटा बस और 20-bit एड्रेस बस। दैट मीन्स 2:20, इट हैज़ 1 MB मेमोरी। ओके, तो अभी क्या माइक्रोप्रोसेसर क्या करता है? तो माइक्रोप्रोसेसर कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने का काम करता है। तो माइक्रोप्रोसेसर का आर्किटेक्चर समझने के लिए 3 स्टेप्स इंक्लूड होते हैं भाई, कि वो इंस्ट्रक्शन सेट रहता है, जो प्रोग्राम रहता है उसको फैच करेगा, उसको फिर डिकोड करेगा और फिर एग्जीक्यूट करेगा। तो प्रोग्राम कहाँ पे स्टोर होता है? प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर होता है। तो ये है मेमोरी इंटरफेस, यहाँ पे हमारा कोड रहेगा, यहाँ से फेच करेंगे हम लोग कोड और उसको डिकोड करके उसको एग्जीक्यूट कराएंगे। तो आर्किटेक्चर भी बहुत सिंपल है, बस 3 स्टेप को समझना ज़रूरी है। तो अभी मेमोरी से हम लोग इंस्ट्रक्शन को फेच करेंगे और फिर डिकोड करके एग्जीक्यूट करेंगे। 8086 सपोर्ट करता है पाइपलाइनिंग। तो ये क्या है पाइपलाइनिंग? मतलब क्या कि जब भी एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, सेम टाइम पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को हम लोग फेच कर लेते हैं और उसको एक जगह पे स्टोर करके रखते हैं। फिर वो इंस्ट्रक्शन लेने को हमें वापस मेमोरी तरफ नहीं जाना पड़ता है, हम लोग डायरेक्टली उसको यहाँ से लेके एग्जीक्यूट करा देंगे। तो पाइपलाइनिंग मतलब क्या कि जब भी कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, सेम टाइम पे उसका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हम लोग फेच कर लेते हैं। अगर नॉर्मल दूसरे माइक्रोप्रोसेसर में क्या हो रहा था कि पहले वो फेच करेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, वापस फेच करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, वापस फेच करेगा, फिर वापस एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे क्या होएगा, एक बार फेच किया, फिर वो एग्जीक्यूट कर देगा, फिर एग्जीक्यूट। क्यों? क्योंकि जब सेकंड टाइम एग्जीक्यूट हो रहा था वो, तब सेम टाइम पे उसने उसका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच कर लिया था। तो जो हमारा टाइम है ना, वो वेस्ट नहीं होता है और हमारा प्रोसेसिंग फास्ट हो जाता है। तो दोस्तों, पाइपलाइनिंग का मतलब समझे आप। अभी ये तो था पाइपलाइनिंग, अभी हम लोग देखेंगे कि आर्किटेक्चर पूरा पाइपलाइनिंग की वजह से 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। जो ऊपर वाला पार्ट है ना, वो फेच करने का काम करता है और नीचे वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट करने का काम करेगा। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं बस इंटरफेस यूनिट, और नीचे वाला पार्ट है वो उसको बोलेंगे एग्जीक्यूशन यूनिट। बस इंटरफेस यूनिट है ना, वो जो आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट करता है माइक्रो प्रोसेसर को। जैसे कि ये मेमोरी है, वो आउटसाइड रहती है, उसको कनेक्ट करेगा बस इंटरफेस यूनिट। दोस्तों, ये जो बॉक्स है सब रेक्टेंगल में, लेकिन ये जो दोनों है ना, थोड़े से अलग शेप के, तो ये दोनों परफॉर्म करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशन। ये है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये और ये डिफरेंट है। क्यों पता है? दोनों परफॉर्म करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशन, लेकिन ये एक ही ALU है। पूरे आर्किटेक्चर में सिर्फ एक ही ALU है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और यहाँ पे जो है, वहाँ पे सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेशन होने वाले, राइट? तो ये भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले, ये भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म। तो हम लोग ने बोला कि यहाँ पे एग्जीक्यूट करने का काम है, तो ये अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करने वाला है? तो दोस्तों, जो भी आपका फाइल रहता है या तो फोल्डर रहता है, उसका लोकेशन क्या रहता है कि आपने कोई अपने फोल्डर के नाम पे कि भाई मेरा नाम फोल्डर है, तो मेरा नाम अक्षय है, तो मैंने वो फोल्डर को नाम दिया अक्षय, और उसके अंदर हम लोग फाइल सेव करते हैं। तो वो तो उसका वर्चुअल एड्रेस है, लोकल डी से आप मेरे फोल्डर में गए और फिर वहाँ पे फाइल है। लेकिन उसका फिजिकल एड्रेस कौन सा है? तो फिजिकल एड्रेस वो तो भाई बिट्स के फॉर्मेट में रहता है, 0012H, ऐसे हेक्साडेसिमल फॉर्म में रहता है। तो वो जो फिजिकल एड्रेस है ना, वहाँ पे हमारा कोड प्रेजेंट है, वहाँ से हम लोग को कोड एग्जीक्यूट कराना है, वहाँ से फेच करना है और फिर एग्जीक्यूट करना है। तो दोस्तों, वो कैसे परफॉर्म करोगे? तो ये जो है ना, वो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। वो अरिथमेटिक ऑपरेशन का है काम क्या है? तो भाई इंटू 10 कोड सेगमेंट एड्रेस इंटू 10 प्लस ऑफसेट एड्रेस। तो ये वाला सिंबल अरिथमेटिक ऑपरेशन ये सिर्फ इतना सा परफॉर्म करता है। तो ये कोड सेगमेंट क्या है? तो दोस्तों, उसके लिए मैं आपको ये पहले ये सिखा दूं कि 8086 में मेमोरी सेगमेंटेशन 4 टाइप में हुआ है, 4 में डिवाइड हुआ है, कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, डेटा सेगमेंट और ये एक्स्ट्रा सेगमेंट। तो ये जो CS है ना, जो यहाँ पे था कोड सेगमेंट, ये रजिस्टर है सब, कोड सेगमेंट रजिस्टर, एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर, स्टैक सेगमेंट और ये डेटा सेगमेंट, ये रजिस्टर है, ये मेमोरी नहीं है। ओके, तो इतना याद रखना, ये जो सब है वो रजिस्टर है। तो ये क्या स्टोर करते हैं? तो इन लोग के पास बेस एड्रेस ऑफ द कोड सेगमेंट मेमोरी, मतलब इसका एड्रेस रहता है, कोड सेगमेंट का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, मतलब आपका कोड सेगमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, स्टैक सेगमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये डेटा सेगमेंट यहाँ से। तो उसका जो एड्रेस है ना, 0000H इसका कुछ रहेगा, वैसे वो सब एड्रेस वो स्टोर कौन करेगा? कोड सेगमेंट एड्रेस स्टोर करता है, कोड सेगमेंट रजिस्टर स्टोर करता है। और ये जो है ना, वो ऑफसेट एड्रेस है,
ऑफसेट एड्रेस मतलब क्या कि समझो कि आपके पास एक बुक है, बुक के अंदर पांच चार चैप्टर है, तो आपने अपने दोस्त को बोला कि चैप्टर वन का 20 पेज पे आओ, तो 20 पेज कौन सा रहेगा, तो 20 पेज जो वो डिफाइन कर रहा है उसको हम लोग बोलोगे ऑफसेट एड्रेस। ये है कोर सेगमेंट, वो डिफाइन करेगा जिसका स्टार्टिंग एड्रेस। ओके, सेगमेंट एड्रेस मतलब क्या कि भाई वो सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस डिफाइन करेगा, और जो ऑफसेट एड्रेस है वो अंदर का एड्रेस डिफाइन करेगा उसका। तो वो होगा ऑफसेट एड्रेस के लिए कौन से पॉइंटर है, तो ये आईपी एसपी एसआई डीआई, ये आईपी बोले तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। तो ये था मेमोरी सेगमेंटेशन के बारे में। अब हम लोग वापस यहाँ पे आ जाते, तो हम लोग का क्या करेंगे कि अगर सब कोर सेगमेंट में हमारा कोड प्रेजेंट है, तो कोर सेगमेंट का वैल्यू यहाँ से लेंगे और यहाँ से इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का वैल्यू लेंगे, वो दोनों को ये वाले फॉर्मूले में डालेगा, कौन अरिथमेटिक ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म होएगा, कोड सेगमेंट इनटू 10 प्लस ऑफसेट एड्रेस, और यहाँ से हम लोगों को क्या पता चलेगा कि हमारा कोड का मेमोरी एड्रेस कहाँ पे, मतलब वहाँ पे इसको पता चल जाएगा कि कौन से मेमोरी से हमें इंस्ट्रक्शन शीट उठाना है। तो वो मेमोरी से हम लोग हमारा इंस्ट्रक्शन शीट लेंगे और वो फेच करके यहाँ पे क्यू में भेज देंगे, मेमोरी इंटरफेस से एक एक इंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या करेंगे, फेच करेंगे और उसको यहाँ पे स्टोर करते जाएंगे। यहाँ पे 6 byte दिया है, ये 6 byte है, मतलब एक टाइम पे हम लोग 6 byte ऑफ द इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सकते हैं। ये 6 byte क्यों है, क्योंकि 8086 में एक इंस्ट्रक्शन जो है मैक्सिमम वैल्यू है इंस्ट्रक्शन का जो है वो 6 byte है। ओके, इसके वजह से ये 6 byte का रखा है। अभी क्या होएगा, यहाँ से ये आया, फिर यहाँ इधर से कहाँ जाएगा, वो यहाँ से एग्जीक्यूट यूनिट के पास जाएगा और वो एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो एक एक इंस्ट्रक्शन जाएगा यहाँ से फैच होके, फैच करके क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन हम लोग एक स्टेप भूल रहे हैं, फैच के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको डिकोड करते हैं। तो डिकोड करने का काम कौन करता है, तो डिकोड करने का काम करेगा कंट्रोल सिस्टम। फैच हुआ, यहाँ से जितने भी इंस्ट्रक्शन चाहते थे वो फैच हुए, फैच होके गए कंट्रोल सिस्टम के पास। यहाँ से कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा कि कंट्रोल सिस्टम ये एग्जीक्यूशन यूनिट को बताएगा कि हर एक को क्या काम करना है। जो आपका ये इंस्ट्रक्शन था, इंस्ट्रक्शन सेट थे, वो कौन से फॉर्म में आएंगे, बाइट्स के फॉर्म में आएंगे, 00100010। तो भाई किसको समझेगा कि क्या करना है, तो वो कोड को इंटरप्रेट करने का काम कौन करेगा, तो कंट्रोल सिस्टम करेगा। वो इंटरप्रेट करेगा और हर एक को अपना काम बताएगा कि भाई आपको एच को और एल को बताएगा कि आपको दो वैल्यू सेंड करना है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को बताएगा कि आपको ऐड करना है। तो ये सब जो है इंस्ट्रक्शंस है वो कौन देगा, कंट्रोल सिस्टम देगा। तो ये काम था कंट्रोल सिस्टम का। कंट्रोल सिस्टम पूरे यूनिट में हर जगह पे सिग्नल भेज रहा है, देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह पे। तो वो काम है कंट्रोल सिस्टम का। अब ये क्या है, तो भाई ये है, इसका नाम देखो AH, AL, BH, BL। तो ये जो स्टार्टिंग के चार है ना, वो चार रजिस्टर है, ये चारों रजिस्टर है। अगर इसको साथ में लेंगे ना, तो इसको AX लिख सकते हैं, BX, CX और DX। अगर ये साथ में लेंगे तो ये 16-bit रजिस्टर है, और अलग अलग लेंगे ना तो 8-bit रजिस्टर है। और ये जो चारों रजिस्टर है ना, वो जनरल पर्पस रजिस्टर के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि ये प्रोग्रामर की यूज के लिए, प्रोग्रामर यूज करता है, तो ये हमारे यूज के लिए, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर बोलते हैं। और ये जो नीचे का है ना एसपी बीपी एसआई डीआई, ये सेम क्या है, तो ये ऑफसेट रजिस्टर है, जो ऑफसेट पॉइंटर का वैल्यू इसके पास रहता है। ये चारों है वो ऑफसेट रजिस्टर है। अभी हम लोग ALU परफॉर्म करेगा एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब क्या करता है, ALU परफॉर्म करता है। तो अभी हम लोग दोस्तों एक एग्जाम, तो 8086 का आर्किटेक्चर समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो 3 lines का कोड है, जिसमें हम लोग MOV BH, 04 MOV BL, 05 और बाद में ये दोनों रजिस्टर को ऐड कर देंगे। मैंने बताया था कि ये चार रजिस्टर है वो जो जनरल पर्पस रजिस्टर है, एक्चुअली में अगर हम लोग उसको इंडिपेंडेंट यूज करेंगे तो ये 8 रजिस्टर रहेगा, AH, AL ऐसा, और अगर हम लोग टुगेदर यूज करेंगे तो वो 4 रजिस्टर रहेंगे। और ये जो नीचे के है वो क्या है, वो भाई ऑफसेट रजिस्टर है। और ये वाले जो सब रजिस्टर है वो कौन से है, सेगमेंट रजिस्टर जिसे बोलते हैं, जिसमें कोड सेगमेंट के एड्रेस रहते हैं। ओके, स्टार्टिंग एड्रेस, बेस एड्रेस ऑफ द कोड सेगमेंट। ओके, अभी हम लोग देखेंगे कि ये कैसे फैच होता है और एग्जीक्यूट होता है। तो ये आपका कोड है मेमोरी में, राइट, ये आपका कोड प्रेजेंट है मेमोरी में। मेमोरी इंटरफेस से बस इंटरफेस यूनिट फैच करेगा 1 by 1, और ये प्री फैच क्यू में स्टोर कर देगा।
और जैसे ही ये पूरा प्रीफेच क्यू फिल हो गया, फिर यहाँ से क्या होएगा, एग्जीक्यूट यूनिट के पास जाके ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होएगा। लेकिन उसके पहले क्या होता है कि भाई उसके पहले ये कोड है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिकोड करेंगे। तो क्योंकि ये जो है ये असेंबली लैंग्वेज है जो हम लोग लिखते हैं, असेंबलर क्या करता है इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, दैट्स इज 0010 वो सब। तो वो किसको समझेगा नहीं, तो कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा भाई, ये कोड है उसको समझेगा और इन एग्जीक्यूशन यूनिट को बताएगा कि हर एक यूनिट को क्या काम करना है, कि भाई BH रजिस्टर में 04 स्टोर कर दो, BL में 05 डालो और फिर वो दोनों को भेजो ALU के पास और अरिथमेटिक ऑपरेशन कराओ। तो वो कैसे समझेगा, इससे नहीं समझेगा, ये सिर्फ कंट्रोल सिस्टम को समझेगा। इसलिए कंट्रोल सिस्टम क्या करता है कि कंट्रोल करता है सबको। अब नेक्स्ट क्या होएगा कि भाई यहाँ पे तो एग्जीक्यूशन के लिए आ गए MOV BH, 04, तो इसके लिए एक ऑपरेंड रहेगा। ऑपरेंड मतलब क्या, आप जब कोडिंग सीखोगे तब ये सबके लिए ऑपरेंड रहेगा, MOV BH, 04। तो एक ऑपरेंड रहेगा MOV BH के लिए, MOV BL, 05 के लिए, इसके लिए भी एक सेपरेट ऑपरेंड रहेगा, फिर ऐड के लिए भी एक ऑपरेंड रहेगा, ADD BH, BL, दैट इज इसके लिए भी एक ऑपरेंड रहेगा, राइट? तो ये जब सब ऑपरेंड है ना वो समझेगा ये कंट्रोल सिस्टम। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि भाई MOV BH, 04 था, तो वो कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा कि BH के अंदर 04 स्टोर कर देगा, BL के पास क्या है, 05। अब BH और BL का जो वैल्यू है वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा 05 04। अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेगा, एडिशन ऑफ परफॉर्म करेगा, 05 प्लस 04 09, और वो किसको देगा, कंट्रोल सिस्टम को वापस। और यहाँ से वापस कहाँ पे स्टोर होएगा, एड BH ना, तो BH के पास वापस वैल्यू स्टोर हो जाएगा, जो रिजल्ट है वो BH में स्टोर हो जाएगा और 09 हो जाएगा। तो इस तरह से आर्किटेक्चर मतलब इस तरह से एग्जीक्यूशन करता है माइक्रोप्रोसेसर। अब ये जो है ना ऑपरेंड्स और फ्लैग्स, तो ये ऑपरेंड्स क्या है, तो यहाँ पे है ना टेम्प्रेरी के लिए, ये टेम्प्रेरी रजिस्टर है जहाँ पे हम लोग टेम्प्रेरी यूज के लिए माइक्रोप्रोसेसर कुछ डेटा स्टोर करेगा। तो ये हमारा ऑपरेंड्स हमारे लिए नहीं है, प्रोग्रामर के लिए नहीं है, ये है माइक्रोप्रोसेसर के लिए। एग्जाम्पल इसका ये बेस्ट एग्जाम्पल है कि भाई एक्सचेंज डेटा बिटवीन BH और BL, तो डायरेक्ट BL के डेटा BH में डाल देगा, तो BH का डेटा तो हम लोग लॉस कर देंगे, लूज हो जाएगा हम लोग से। तो ये क्या करेगा, एक टेम्प्रेरी रजिस्टर लेगा जिसमें पहले BH का डेटा स्टोर करेगा, फिर BL का डेटा इसमें डालेगा और ये डेटा फिर BL में। तो ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है जिसमें हम लोग को टेम्प्रेरी रजिस्टर का जरूरत पड़ेगा, सॉरी माइक्रोप्रोसेसर को टेम्प्रेरी रजिस्टर का जरूरत पड़ेगा, ये उसके लिए होता है, ऑपरेंड्स का यूज होता है। फ्लैक्स मतलब क्या, तो फ्लैक्स क्या करते कि जो भी रिजल्ट है ना रिजल्ट का स्टेटस शो करते। तो जैसे कि अगर हम लोग ने एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया और आपका रिजल्ट में कैरी प्रेजेंट हो रहा है तो कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा, फिर अगर आपका जो रिजल्ट है उसमें जीरो आ रहा है तो जीरो फ्लैग सेट हो जाएगा। तो वही फ्लैग क्या करता है कि जो भी रिजल्ट है उसको शो करता है, स्टेटस दिखाता है उसका कि उसका स्टेटस क्या है। तो दोस्तों ये था 8086 का आर्किटेक्चर के बारे में। तो आर्किटेक्चर की शॉर्ट में हम लोग समरी देख लेते हैं कि इसका काम क्या है। तो भाई मेमोरी इंटरफेस से वो कोड को फेच करता है, यहाँ से हम लोग को वो मेमोरी एड्रेस पता चलता है। यहाँ पे एरिथमेटिक ऑपरेशन क्या करता है कि मेमोरी एड्रेस कहाँ पे, कहाँ पे हमारा कोड प्रेजेंट है वो एड्रेस पता करेगा, फिर वो एड्रेस से हम लोग कोड को फेच करेंगे, फिर यहाँ पे वो प्रीफेच क्यू में चला जाएगा, वहाँ से कंट्रोल सिस्टम के पास जाएगा जहाँ पे हम लोग जो मशीनरी लैंग्वेज है उसको डिकोड करके सब यूनिट को बताएंगे कि आपको क्या परफॉर्म करना है, और फिर लास्ट में अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेगा और उसका रिजल्ट स्टोर कर देगा जहाँ पे स्टोर करना हो। ओके, तो दोस्तों ये था आर्किटेक्चर ऑफ 8086 के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें।